के इतना शिपला दूंगा। तो अभी मम्मा जा रही है और मेरी बालों की कटिंग हो गई, ट्रिमिंग हुई है, वो इतना ही है ना। आपकी ट्रिमिंग हुई, मेरी सही कटिंग। मम्मा ने सही कटिंग करवाई, मम्मा ने बहुत छोटे बाल करवा लिए। ठीक है ना, कोई प्यार हो गई है। मेरी सब्जी इतनी मजे की लग रही है ना, और बहुत मजे की है। मैंने अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का वह टाइम है और मैं उठी हूँ, तो पहले मैंने ये ना, मैंने कल चीनी और वो सूजी मंगवाई थी, तो इसको मैंने क्या करना था कि बनाना था सदके के, क्योंकि मेरे सदके की जो पहले सात अनाज वाला था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने ना सोचा कि सिर्फ चीनी और सूजी ये ज़रा अच्छे है, तो कीड़ियाँ बड़ी शौक से खाती हैं, तो ये मैंने अब बना दिया। ये देखें, अब ये 11 दिनों का बना दिया, लेकिन इसका कोई नहीं है कि आप 11 दिन डालें, रोज़ाना डालें, पूरा सालों साल डालें। इसका कोई नहीं है कि आप कोई मखसूस दिन है कि कोई 11 दिन डालें या 21 दिन डालें। या पहले जो सात अनाज वाला सदका जो था वो मैंने 21 दिन डाला था, ठीक है, और उसको आप 11 दिन भी डाल सकते हो, 21 दिन भी डाल सकते हो। और अब ये वाला जो है ना, ये आप, मैंने ये रूटीन के मुताबिक रख ली है। अब फिर ये मैं सूजी और वो चीनी लेके आई थी, तो इसमें से देखो मेरे 11 दिन का बन गया। तकरीबन 1 किलो चीनी थी और आधा किलो सूजी थी, तो ये 11 दिन का बन गया। तो अब ये मैं इस तरह चलाती रहूँगी। हाँ, दूसरे बात ये है कि घर में कोई देखो रस बच गए हैं, कोई जो पुराने थोड़े से हो गए हैं वो नहीं खाए जाते, वो उसको आप पीस लें, इस तरह करके मसल लें, ब्रेड को मसल के, फिर अगर बिस्किट हैं, केक रस है, कुछ भी है, इन सारी चीज़ों को मसल के रख लें, ये भी जाके डाला करें। ये मतलब बेज़बान कीड़ियों को, बेज़बान चीज़ों को हम लोग कुछ भी खाने के लिए देते हैं, तो वो हमारी दुआ करती हैं। तो ये मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, बाकी आप लोगों की जिस तरह भी मर्ज़ी रही, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैंने जब से ये सदका वगैरह देने लगी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, सब चल रहा है। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ तो उतना थोड़ा है। मैं कहती बहुत बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये ज़रूर करें, आजकल के हालात किस तरह के हैं। तो बस चले, अब मैं ना फ्रिज धोने लगी हूँ, तो फ्रिज का सामान सारा निकालती हूँ और फिर मैंने फ्रिज वॉश करना है, और किचन भर जाएगा सारे गंद से। तो पहले मैंने कहा ये मैंने काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि चीनी है और ये सूजी है, ये कहीं गीली ना हो जाए। चलें जी। One hour later. और हाँ, फिर नाश्ता वाश्ता किया, अब फिर मैंने फ्रिज धोना शुरू किया। मैंने कहा अभी सर्दियाँ और मैं बर्फ़ वाले ठंडे पानी में मेरे से नहीं आँख मारता था, तो ये मैं फ्रिज धो रही हूँ और ये मेरे साथ लगा हुआ है। मैं इसको कह रही हूँ तुम रहने दो। नहीं नहीं, वालेकुम सलाम। उधर भाई सपना भी धो रही है मेरे साथ, और ये कहते हैं नहीं मैंने भी करना है। चलो मैं कर, नहीं नहीं तुम रहने दो, 10 रुपये नौकरी, हम वो 10 रुपये तुम्हारे पे क्यों जाया करें, हम खुद कर सकते हैं। हाँ, हमारे साथ सपना मैडम लगी हुई है, और ये बस मैं भी मारता हूँ, मैंने कहा मारो। तो ये हो रहा है काम, और सारी चीज़ें ये देखिए फ्रिज में क्या क्या नहीं होता, सब कुछ बाहर निकाल के रखा हुआ है, देखिए किचन भरा हुआ है। फिर तो अभी बस ये फ्रिज धुल जाएगा, साफ हो गया, अब बस ये फर्श धोएंगे, फर्श धो के कारपेट वगैरह बिछा देंगे। काम वालों का कोई पता नहीं है, काम करना है नहीं करना कोई पता नहीं है। नहीं नहीं, उस फ्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना, रहने दो फ्रिज के ऊपर। तो बस इसलिए मैं अपने काम ख़त्म करूँ। फ्रिज मेरा साफ हो गया, बस अब ये मेरे काम ख़त्म हो गया, और बाकी इधर भी मैंने सारा आज फर्श दिलवा के ना, तो मैंने फिर क्लीन बिछा दिया, और ऊपर मैंने एक बिछा दिया दरी सी, ताकि ज़्यादा गंदी ना हो ना, तो अच्छा है ना किस तरह। तो बस ये हो गया काम शाम, और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने लगे मार्केट। मेरा एक दूसरा मोबाइल जो है वो कोई मसला कर रहा है, शायद नेट का मसला है या फिर कोई समझ नहीं आ रही, नेट उस पर ना नेट जो है ना कनेक्ट नहीं होता, तो इस मोबाइल में मेरे भी मेरा मसला है, तो इसको चेक करवाना है। तो बस अनाया अभी थोड़ी देर पहले उठी है, और वो अब मैं भी बस तैयार होने लगी हूँ, मार्केट चलती हैं। अहमद सपारा वगैरह पढ़ के आ गए, और घर साफ़ हो गया। काम वालों का कोई पता नहीं है, काम कब शुरू होगा नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं। तो मैंने कहा सर्दी लगती है, यहाँ पे सारा फर्श था, तो हम मैंने सारा बस धुलवा के तो कर दिया। चलें जी, मैं तो अब चलती हूँ, मैं बनाने लगी हूँ मिक्स वेजिटेबल, बहुत मज़े की लग रही है, देखिए फ्रेश फ्रेश सी। और बाकी टमाटर वगैरह काट लिए, ये रस मंगवाए हैं और केले वगैरह, तो बस खाना बना रही हूँ बच्चों, मैंने कहा बच्चों को भूख लगी हुई, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ खाना। तो ये चलते हैं जी, खाना बनाती हूँ,
और मैं ये सर्दियों में मैंने आज बना रही हूँ। मैं पहले तो सर्दी का मौसम जब शुरू हो गया, वैसे पहले मैंने मिक्स वेजिटेबल नहीं बनाया, तो चले बनाती हैं मिक्स वेजिटेबल। तैयार हो गई है मेरी सब्जी, इतनी मज़े की लग रही है ना, और बहुत मज़े की है। मैंने ग्रेवी ग्रेवी नहीं बनाई, मैंने बस ड्राई ड्राई बनाई है और बहुत मज़े की है, टेस्टी। चलें जी, अब 2 hours later जैसे मैं अनाया को कहती हूँ चलो 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 मार्केट, और अब शाम के 6 बज चुके हैं और अनाया की बस काम ही नहीं ख़त्म होते। सो की उठती है तो पता नहीं और कामों में बड़े इसके, बस मैसेज तो फ़ोन तो बात, कोई समझ नहीं आती इसकी मुझे। चलो मोबाइल पकड़ो, जो मोबाइल ठीक कराना वो तो पकड़ो ना बेटे। चलो अहमद नहीं जाना, अच्छा चलो ठीक है। अहमद बहुत खुशी से ना टीवी देखेगा, उसको खुशी है मैं इतनी देर में टीवी देखूंगा इसको बहुत मज़ा आता है टीवी देखने का। चलो ना गाड़ी की चाबी लो पर। चलो मैं यहाँ पे आज अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए देखा मेरा मोबाइल ठीक होता है कि नहीं, क्या मसला है क्या नहीं। बस अब चलते हैं, फिर उसके बाद पॉलर मैंने कटिंग करवानी है, और देख रहे हैं भाई मेरे मोबाइल को। से फारिग हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं स्लश पीने में। जब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और मतलब भाई गर्मी थी, ऊपर से इतनी ब्रश थी और इतनी गर्मी थी, तो हम लोगों ने कहा कि स्लश ही पिला दो मम्मा। तो अभी मम्मा जा रही है और मेरी बालों की कटिंग हो गई, ट्रिमिंग हुई है, वो इतनी ही है ना। आपकी ट्रिमिंग हुई, मेरी सही कटिंग। मम्मा ने सही कटिंग करवाई, मम्मा ने बहुत छोटे बाल करवा लिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं, लोगों के बाल ठीक है।